नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है उत्तराखंड पोस्ट में आपका। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगाने वाले उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी निवासी शहीद यमुना प्रसाद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रहने वाले यमुना प्रसाद पनेरू जम्मू कश्मीर के गुरेज में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। शहीद पनेरू कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद के छोटे भाई भुवन कहते हैं कि पिछले साल 2 माह की छुट्टी से आने के बाद यमुना प्रसाद 30 अक्टूबर को वापस लौटे थे। अप्रैल में उन्हें फिर छुट्टी आना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण आ नहीं सके। शहीद यमुना प्रसाद को पर्वतारोहण बेहद पसंद था। उनका सपना रिटायरमेंट के बाद पहाड़ के युवाओं को पर्वतारोहण के लिए तैयार कर कुशल पर्वतारोही बनाना था। इसके लिए वो एक प्रशिक्षण केंद्र खोलना चाहते थे। वो इसी महीने के अंत में घर भी आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वो भारत माँ की गोद में हमेशा के लिए सो गए और उनका ये सपना भी अधूरा रह गया। सेना में भर्ती होने तक यमुना प्रसाद ने नहीं सोचा था कि वो एक पर्वतारोही के रूप में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर भारत का झंडा फहराएंगे। सेना में भर्ती होने के कुछ समय बाद जब उन्हें पर्वतारोहण का अवसर मिला तो 2012 में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी फतह कर ली। इसके बाद कंचनजंगा और नंदा देवी पर भी उन्होंने तिरंगा लहराया। पर्वतारोहण की उनकी कुशल क्षमता को देखते हुए 2013 में सेना ने उन्हें दार्जिलिंग स्थित हिमालयन माउंटेनियरिंग संस्थान में बतौर प्रशिक्षक नियुक्त किया। 2014 में यमुना प्रसाद प्रशिक्षण देने के लिए भूटान भी गए। अपनी काबिलियत के दम पर भूटान से आने के बाद उन्होंने जेसीएन निकाला और हवलदार से सूबेदार बने। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उत्तराखंड के इस वीर सपूत को उत्तराखंड पोस्ट परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन करता है। ईश्वर शहीद परिवार के परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। जय हिंद।